अंतिम चरण के मतदान में प्रशासन फिर दिखा सख्त। गाजीपुर में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा नजरबंद। अब्बास अंसारी की नजरबंदी को प्रशासन ने एहतियाती कदम बताया। गाजीपुर से भाजपा सरकार के मंत्री मनोज सिन्हा चुनाव मैदान में। अंतिम चरण के मतदान में यूपी की 13 सीटों पर पोलिंग हो रही है। प्रशासन ने गाजीपुर में एहतियाती कदम उठाते हुए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को नजरबंद कर दिया है। इस सीट से भाजपा के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। संवेदनशील सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रशासन ने कुछ लोगों पर नजरबंद करने की कार्रवाई की है। इसी कड़ी में गाजीपुर जिला प्रशासन ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को नजरबंद कर दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बाद सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट गाजीपुर है। इस सीट से बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा उम्मीदवार हैं। वहीं गठबंधन की तरफ से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज सिन्हा बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में इस सीट से 3 बार संसद पहुंच चुके हैं। बीएसपी के प्रत्याशी मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। 2014 में मनोज सिन्हा यहां से चुनाव जीते थे तो मोदी सरकार मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई थी। वो वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री हैं। इससे पहले के चरणों में भी प्रशासन ने कई लोकसभा सीटों पर गड़बड़ी रोकने और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कई पार्टियों के नेताओं को नजरबंद कर दिया था।